बांका में देवघर रोड में कटोरिया रेलवे स्टेशन के समीप ट्रेन से कटकर तीन किशोर की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सोमवार सुबह अंडाल से बांका की ओर आ रही ट्रेन के कटोरिया रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे ट्रैक पार करते हुए ये हादसा हुआ, जिससे मौके पर ही तीनों की मौत हो गई है। जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। देखते ही देखते घटनास्थल पर आसपास के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही रेल पुलिस से RPF व स्थानीय कटोरिया थाना अध्यक्ष महेश्वर राय दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। झारखंड बिहार की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 5 स्कोप, अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज़ 5 स्कोप ऐप। मधेपुरा में आज श्री कृष्ण गौशाला परिसर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को PM बनाने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोगों ने संकल्प लिया। महागठबंधन की एकता, CM के स्वास्थ्य की मंगल कामना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए गायत्री महामंत्र जुट अनुष्ठान का संकल्प मधेपुरा में लिया जा रहा है। यह कार्यक्रम जिला मुख्यालय स्थित श्री कृष्ण गौशाला परिसर में अगले 4 महीने तक जारी रहेगा। 6 दिसंबर को विशाल यज्ञ के माध्यम से इसकी पूर्णाहुति होगी। इस बाबत आयोजक और साधक पूर्व प्रखंड प्रमुख इंजीनियर कौशल कुमार ने बताया कि देश के खराब हालात और जनता के बीच मचे हाहाकार के बीच नीतीश कुमार ही वह चेहरा है जो भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग धर्म के नाम पर अपना दुकान चला रहे हैं और देश की अखंडता व सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, उसी के तहत यह धार्मिक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में खासकर कोसी क्षेत्र के मधेपुरा, सहरसा और सुपौल जिला के लोग शामिल होंगे और 24,000 गायत्री मंत्र का जाप किया जाएगा। बांका में देवघर रोड में कटोरिया रेलवे स्टेशन के समीप ट्रेन से कटकर तीन किशोर की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सोमवार सुबह अंडाल से बांका की ओर आ रही ट्रेन के कटोरिया रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे ट्रैक पार करते हुए ये हादसा हुआ, जिससे मौके पर ही तीनों की मौत हो गई है। जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। देखते ही देखते घटनास्थल पर आसपास के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही रेल पुलिस से RPF व स्थानीय कटोरिया थाना अध्यक्ष महेश्वर राय दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।